सब गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक विद कुरेशी में, और मैं आहत कुरेशी लेके आ गया हूँ फिर एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाले गेमिंग हेडसेट की, जो कि आता है बजट सेगमेंट में। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। गाइस ये रहा हमारा हेडफोन, चलो अभी से कर लेते हैं अनबॉक्स बिना किसी देरी के। तो हमें बॉक्स के ऊपर यही सब देखने के लिए मिल जाता है, ये आपको इसकी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है कॉस्मिक बाइट, और बाकी आपको उधर देखने के लिए मिल जाता है कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आप देख सकते हो आपको दिख रहा हो। आप इसे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, PC, PlayStation, एनीथिंग। और इधर भी आपको इसकी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की साइड आपको दिखने के लिए मिलता है इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देख लीजिए आपको स्पेसिफिकेशंस, और साइड में भी यही सब देखने के लिए मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कह लेते हैं पहले अनबॉक्स, इधर से इसके कुछ इस तरह के टेप्स वगैरह हैं। तो बॉक्स के ऊपर आपको सिर्फ यही देखने के लिए मिल जाता है। इसे कर लेते हैं इधर से अनबॉक्स, ये हमने इसे हटा लिया, और ये आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका हेडफोन। इसे भी कर लेते हैं अनबॉक्स इस तरह से। तो ये हम बॉक्स रख देते हैं साइड में, बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। बाकी इधर आपको अपना हेडफोन देखने के लिए मिल जाता है, तो पहले हेडफोन भी रख देते हैं साइड में इसका बॉक्स। ये आपको हेडफोन की वायर देखने के लिए मिल जाती है, ये आपको वायर पे ही कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट हम हेडफोन को भी साइड कर देते हैं। अब आपको उसके साथ एक कैरी बैग देखने के लिए मिल जाता है, बट यार कोई पसंद नहीं करने का कोई पब्लिक प्लेस में कोई हेडफोन लेके जा रहा है, बट दिया है। और इसके कुछ कपड़ा भी कुछ ऐसे सिल्क टाइप का, सॉफ्ट टाइप में। और इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है इसका डुअल ड्राइवर, इधर मैनुअल, इससे इसकी कैसेट से, इसकी सीडी से आप अपनी PC और कंप्यूटर में वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर से ही इसके RGB कंट्रोल कर लें। इसे भी साइड रख देते हैं। बाकी आपको इधर देखने के लिए मिलती है मैनुअल को भी साइड रख दे। इधर को आपको देखने को मिल जाती है मैनुअल के प्रोडक्ट फंक्शन, वैसे हम मैनुअल फेंक देते हैं, बट इसे फेंकना मत, थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि इसके बिना आप इसे कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको इधर मोड्स देखने में मिल जाते हैं, EQ मोड्स, मूवी मोड्स, म्यूजिक मोड, वीडियो मोड, ऑडियो मोड एंड गेमिंग मोड। चलो इसे भी साइड रख देते हैं। इधर आपको कॉस एयर का कार्ड देखने को मिल जाता है, और पीछे की साइड इनके इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक की ID, बाकी इन्हें करें ना करें हमें जरूर कर लेना, इंस्टा यूट्यूब पे दोनों पे फॉलो। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की। हमारा मेन प्रोडक्ट होने वाला है ये हेडफोन, क्योंकि आपको देखने में ही कूल लग रहा होगा। और ये रहे इसके वायर, ये रहा इसका कंट्रोलर। आपको इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे अपने फ़ोन के साथ अटैच करने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ इस तरह का, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको चाहिए होगी इस तरह की OTG केबल, आपको दिख रही हो। अगर आपको इस तरह की नहीं मिल पाती है तो आप एस टाइप की OTG केबल लाती है, जो कि आपको 10 या 50 तक की मिल सकती है। तो इसे एक बार अपने फ़ोन के साथ अटैच करके देख लेते हैं इसकी RGB। बाकी आपको OTG की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और हेडफोन की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकती है। और चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। वायर को हमने किया इस तरह से, ये आपकी USB, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। इसे हम इसमें लगा देते हैं,
ये हमने लगा दी कुछ इस तरह, और थोड़ी सी बात कर लें हेडफोन की तो इधर के साइड आपको वही लोगो देखने के लिए मिल जाता है, पीछे के साइड ये और डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है, ये बटन्स नहीं हैं और ये हेडफोन है एडजस्टेबल जैसे कि आपको दिख ही रहा हो। और बाकी इधर ऊपर की बात कर लें तो ऊपर की साइड आपको दिख रहा हो या फिर नहीं, ऊपर भी लोगो लग रहा है इनका इधर की साइड। तो ये है आपका एडजस्टेबल माइक, तो आप किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं गेमिंग के टाइम। ये देखो इस तरह से, तो आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अब इसे ट्राई अप कर लेते हैं हम अपने फ़ोन के साथ। तो ये हमने अटैच कर लिया, अब ये हम अपने फ़ोन की कर लेते हैं OTG ऑन। ये आपको फंक्शंस मिलता है अपने फ़ोन में, तो ये हमने कर ली OTG ऑन। और ये देखिए आपको इंडिकेटिंग लाइट दिख चुकी है, तो पहले इसे कर लेते हैं साइड वरना फोकस ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको लाइट, इसे भी लाइट को भी आप RGB को भी कंट्रोल कर सकते हो इस कंट्रोलर से। और अगर आप इसकी डुअल ड्राइवर अपने फ़ोन लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हो तो आप उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से लिया, इसे प्रेस कर दिया, ये आप देख रहे हो कि ये इसकी बदल चुकी है लाइट्स। ये हमने अगेन प्रेस किया, ये अगेन उसकी लाइट स्विंग चेंज हो गई। और ये हमने अगेन प्रेस किया तो ये रेड हो गए, और अगेन प्रेस करने से ये बंद हो जाती है। अब बात कर लें माइक की, तो माइक क्वालिटी भी अच्छी है, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इसे टेस्ट करने के बाद। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 7.1 का सराउंडिंग साउंड भी है, ये देख सकते हो आप इधर 7.1 का इधर सराउंडिंग साउंड देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आपको बॉक्स के ऊपर भी इसके स्पेसिफिकेशंस में भी देखने के मिल जाता है कि इसमें 7.1 सराउंडिंग साउंड है, ये आप पढ़ सकते हो। और इधर से माइक की बात कर लें तो इस तरह से आपका माइक ऑफ हो जाता है। ये हमने RGB कर दी ऑन, ये हो चुकी है ऑन। और आपको मोड्स दिखा दूँ तो इस बटन को प्रेस करने से आपकी 7.1 की सराउंडिंग साउंड की लाइट जल चुकी है, आप देख सकते हो ये रही। और ये हमने कर दिया माइक ऑन, और ये आपकी वॉल्यूम अप डाउन का, मैं आपको एक बार वॉल्यूम अप डाउन करके दिखा देता हूँ। ये हमने किया, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल फ़ोन पे, ये हमने वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ये हमने कर दिया। और ये मेरा फर्स्ट गेमिंग हेडफोन है जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और बाकी आपको भी अगर मेरे पे हो सका तो मैं आपको भी एक बार इसकी हेडफोन की साउंड क्वालिटी टेस्ट करवा सकता हूँ। वेट अ मिनट, मैं आपको सॉन्ग प्ले करवा के दिखा देता हूँ। ये हमने सॉन्ग प्ले, वॉल्यूम कर लेते हैं हम फुल, और इसे हम लगा देते हैं म्यूज़िक मोड पे। ये आपको मोड दिख रहे हों, ये हमने मोड, इसे प्रेस करने से मोड होते हैं स्विच, ये मोड स्विच करके हम पहुँच चुके हैं इस पे। अब आपको हम टेस्ट करवा देते हैं इसका म्यूजिक। फुल मोड पे है फिलहाल, हम इसका मोड चेंज कर देते हैं इस कंट्रोलर की मदद से।
तो गाइज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हेडफोन कैसे लगे, और हेडफोन अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी प्राइस की बात कर लें तो प्राइस आपको इसका 1500 से लेकर 2000 तक भी देखने के मिल जाता है अमेज़ोन पे। आपको अगर आप रेगुलरली चेक रहते हैं, अपडेट रहते हैं अमेज़ोन पे, तो आपको ये कम प्राइस में भी देखने के लिए मिल जाता है। और RGB और 7.1 का सराउंडिंग साउंड वाले आपको गेमिंग हेडफोन ले लें तो बेस्ट एंड बेस्ट हेडफोन है। प्लीज़ चेक आउट द लिंक। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल। I'm not afraid of the dark.